लगत हुआ है वहाँ तुम्हारा घर पक्को है ते? भाई हमारा घर तो सुगार गोटी घर ठंडो वो से बिना चप्पल के चल नहीं सकन। अभी दो दिन से तो भाई बड़ो जाड़ो लग रहा है वो से दात कोड़ी कनकन आवाज सबरे उठोते। कल हम गए रन छोटी के बाबू संग सूटर ले ले भाई रेट पूछेन वो तैसे महंगी महंगी बताई नी ते चुप्पच घर आयन। तब तुमको दुकान वाले ने कही नहीं कहो का? दुकानदार सो चिड़चिड़ होने लगो ना हमारे को ना सुगार गुड़ देखन लगो का इतनी 15-20 स्वेटर खुलवाए का है ना तुमने लिए नहीं का है ते मैंने कहा भाऊ हम पर्स भूल गए उधार दे थो जो ते दे दे मैंने कहा ते का उधारी उधारी नहीं चलती का जाओ का है। मोरी भी ते सूटर फट गई है वो काल ते मन मनी जाड़ो लगत रहे ते मैंने हमारे घर के डोकरा खींच पहने रहूं वो चिल्लान बैठो का है मोरी सूटर निया मैंने कहा आप कसी करूं ते मैंने दो बोरा रहे भाई वे बोरा को काटे हां ना कथड़ी सीन की सूजी से अपने लिए सूटर सिले हम बोरा की। तुमने सही करे वो मैं भी देखू नहीं तो सी लू मोरे बिया कुछ रह जाए गद्दा भाई वो 50-60 साल को हो गया सपा लड्डू हो गए रहे ते मैंने कसी करे दो ही रजाई में है अच्छी भरे हो ठास ठास के पैरा और ना वो खोए ते सी दी हो। हेलो का हो रहे मैं आगी ताप रहे बेटी या तोरी कुसुम कली भाभी से तू का कर रही है ते बेटी? नए के आटा के चीला बना रहे हमारे ना गोभी की सब्जी। तुम्हारे घर नई धान पिसा लियो काते बेटी? निमाए मोरी ननन ने भेजी रहे। तोरे छोटे काका को फोन आया रहे का बेटी? नी आए रहे फोन कायली पूछ रही थे मैं तो को मालूम नहीं है का पल्लवी की बात पक्की हो रही है सोमवार के दिन खानी पीनी है। कहाँ दिन है ते मैं? भगदड़पुर में दिन है बेटी। बड़े दूर दिन है वो इतने दूर का एको दिन हुआ है ते? देखी नहीं है का वो की बड़ी बहन को ते दिन है 10 किलोमीटर पे ते महीना में 5 गनावा है। माय कोने जोड़ो ते बिहा वो मानी घर को चड्डा नहीं है का वो ने जोड़ो वो के कोई रिश्तेदार हो है ते वो को सगो सारो आए वो माय ते बात पक्की छ है का से देखन आ रही ने बेटी पक्की छ हो रही है वो भट्टा भात ना लाल सुवारी वो बेटी ते सकारी है ते जवई संग जरूर आ जा माय देखा वो हमारे घर ते गानी चल रही है का इतनी सोचा है बेटी तू वो गानी ना जीवन की कहानी ते लगी छे इतने लोग आए ते तोखो दोबारा दिखन के का माय तू अब काहे का इतने जन आ रही है ते मैं कहा वो थ्रेसर वाले को भाऊ आज के आज में तू सपा खरई को चूर दे सकारी मोरे काका घर बात पक्की हो रही है ते जाऊं आ जाने बेटी मैंने वो दिन है ते दो पैरा के गद्दा भरे हैं वो ना आज उरे ते दो भरे हैं मैंने कहा सब पोना कोई आए ते रात भी कर सोहे करके। हाँ माय आ जाऊं ठीक है बेटी फोन रखा वो कब से ते कुसुम कली बैठी है बिचारी चुप सुन रही है हमारी बात। हाँ माय चलना ते कुसुम कली अंदर बैठ बनवो नहीं भाई लगत देर से आए हैं वो अब लोटा लेके जात रहूं ना तुम भी आगे तापत रहते लवट गए हम उजारो हो रहे हो झाड़ बाहर करूं चलना कुसुम कली अंदर बैठ बनवो चाय पी बन। आगे तो अच्छी धड़धड़ चल रही है आज मंडा देवा ना चाय भाई तुमको पीना होए ते मंडाओ मोको ते 2 साल भयो सुअर की बीमारी भैया नी ते डॉक्टर ने मना करो ते मैं चाय नहीं पीऊं। तू शक्कर की चाय नहीं पिए ते मैं मुहा की मंडा देवा मुहा भी ते मीठो छोवा है भाई कोई भी मीठे फल नहीं खाने का है वो अंदा तो इतने आमा नामली फरिन फिर भी नहीं खाए तू कोई भी मीठे फल नहीं खाए फल में ना सिर्फ जामुन खावा जामुन है तो शुगर वाले को बड़ी फायदा मंद है। पल्लवी को दहेज का दे रहे होते भाई हमारे घर निर्मला को दादा कहा है ये गाय देबो ना 10 कुड़ो धान ना 14 मुर्गी के बच्चा। भाई गाय दे रहे हो अन धान दे रहे हो तो अच्छी बात है पर ये मुर्गी के बच्चा काली दे रहे हो निस्ते आंगन में पिचिक पिचिक करे। पल्लवी को नी मुर्गी बड़ी पसंद है एक मुर्गी पाली है भाई ते वे मुर्गी के बच्चा उनको से बिस्तर में मंडावा है ते हमने कहने को इतनी पसंद है ते काहे नहीं को मुर्गी दे देन दहेज में ते भाई लड़का वाले ने कई मांग वांग करी ने कहो भाई लड़का वालन की तो कोई मांग नहीं है वो बड़े अच्छे लोग है वो इतने सभ्य लोग तो मैंने कहीं नहीं देखे ऐसे ऐसे लोग हो ना भाई समाज में वो तब समाज को उत्थान हो है। हाँ वो सही बात है कुसुम कली सकारी जल्दी आ जा जो भट्टा वट्टा काटन लग जो भाई कितने जन आने वाले है थे वो बोलत रहे भाई 3-4 फोर व्हीलर से आबोन करके अपने को व्यवस्था भी तो अच्छी करनो पड़े तोरी दीवरानी को ला ले जो खाना बनाने वालों कौन आने वालों है थे भाई खाना बनाने साथी है तो झनक को बताए हैं मैंने कहा भाऊ भट्टा आलू की सब्जी है अना पनीर की है अना जलेबी है अना भात दाल ना कढ़ी। हाँ हम दो दीवरानी जिठानी ना जा बोन जल्दी। हाँ भाई मोहल्ला को काम आए वो सपोर्ट करने मोरे कलारी भाषा चैनल के वीडियो देखने लिए बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब की बटन जल...
जरूर दबाने। सब लोग कमेंट में अपने गांव को नाम